Good morning, students. Students, in our last class, we talked about family and family members. We all have family members. Those family members do some work to earn money. So, today I'll tell you about some of those works. Our today's topic is different skilled works. Now, first of all, वट इज अ स्किल्ड वर्क अ स्किल्ड वर्क इज अ वर्क विच रिक्वायर्स सम स्किल्स टू कंप्लीट और टू डू दैट वर्क मीन्स अ वर्क विच वी कैन नॉट डू विदाउट सम स्किल्स और विदाउट सम नॉलेज इफ वी डोंट हैव इनफ स्किल्स और इनफ नॉलेज ऑफ डूइंग दैट वर्क वी कैन डू दैट वर्क प्रॉपरली मतलब कोई ऐसा काम जिसको करने की हमें स्किल्स नहीं है हमें योग्यता नहीं है हमें ये नहीं पता कि वो काम कैसे करना है उसे स्किल्ड वर्क कहते हैं हमें वो काम पूरी तरह से करना आना चाहिए हमें उस काम को करने की स्किल्स होनी चाहिए वो एक स्किल्ड वर्क है हमें वो काम का पूरा नॉलेज होना चाहिए उसके बाद ही हम उस काम को कर सकते हैं वो एक स्किल्ड वर्क है बिना स्किल्स और योग्यता के हम कोई स्किल्ड वर्क नहीं कर सकते हमें स्किल्स होनी चाहिए स्किल्ड वर्क करने की ंग यू सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल फार्मिंग टू डू फार्मिंग फार्मर शुड है अब कोई फार्मर है उसको यही नहीं पता कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है और कौन सी क्रॉप को कौन सी जगह में ग्रो किया जाता है और कैसे किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो क्या वो फार्मिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो फार्मिंग करने के लिए भी स्किल्स चाहिए सो फार्मिंग इज ऑल्सो अ स्किल्ड वर्क नेक्स्ट टेलरिंग सो यू ऑल नो दैट एवरी वन कैन नॉट स्यू क्लोथ्स अ टेलर नीड्स स्पेशल स्किल्स ही शुड हैव स्किल्स और नॉलेज ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स ही शुड हैव स्किल्स टू कट एंड टू श्यू क्लोथ्स अब कोई टेलर है उसको मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो क्या वो टेलरिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा सो so, टेलरिंग के लिए भी स्किल्स चाहिए मेज़रमेंट लेना आना चाहिए क्लोथ्स कट करने आने चाहिए स्यू करने आने चाहिए अगर अगर मैं आपको दे दूं कि ये क्लोथ से मेरे लिए कपड़े बनाओ तो क्या बना पाओगे नहीं बना पाओगे अगर आप में वो स्किल्स नहीं है आप में वो नॉलेज नहीं है कि टेलरिंग कैसे करनी है कैसे कपड़े बनाने तो आप नहीं कर पाओगे तो टेलरिंग में भी स्किल्स चाहिए सो टेलरिंग इज ऑल्सो स्किल्ड वर्क नेक्स्ट कारपेंट्री लाइक फार्मर्स एंड टेलर्स, कारपेंटर्स ऑल्सो रिक्वायर स्किल्स टू मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम वुड इफ ही डजेंट हैव स्किल्स टू यूज डिफरेंट टूल्स देन ही कैन गेट इंजर्ड वेन यूजिंग दोज टूल्स अब कोई कारपेंटर है उसको ये नहीं आएगा कि कैसे किसी लकड़ी के टुकड़े से कुछ बनाना है तो क्या वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा उसमें स्किल्स होनी चाहिए उसे नॉलेज होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना है और कैसे किसी लकड़ी के टुकड़े से कुछ भी बनाया जा सकता है अगर मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे देता हूँ तो क्या आप उससे कुछ बना पाओगे अगर मैं कहता हूँ कि टेबल बनाओ तो क्या आप इजीली टेबल बना पाओगे नहीं बना पाओगे अगर आप में स्किल्स हैं तो ही आप बना पाओगे सो कार्पेंट्री इज़ ऑल्सो अ स्किल्ड वर्क कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स need नीड स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन if इफ दे not नॉट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट थिंग्स इफ दे not नॉट skills टू कंस्ट्रक्ट थिंग्स देन दे can't डू कंस्ट्रक्शन उनको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए उनमें वो स्किल्स होनी चाहिए उन्हें डिफ्रेंट मटेरियल्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज होगा अगर उनको ये नहीं पता कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ होगा और कौन सी चीज़ को कैसे बनाना है किसी बिल्डिंग को कैसे बनाना है तो वो काम नहीं कर पाएंगे सो कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ स्किल्ड वर्क नाउ आर्ट एंड क्राफ्ट टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट वी नीड स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत ही अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट करते होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं कर पाते होंगे तो कौन बच्चे कर पाते हैं जिनमें स्किल्स हैं जिनने जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल्स सीखी है वही आर्ट एंड क्राफ्ट कर पाएंगे सो आर्ट एंड क्राफ्ट आल्सो रिक्वायर स्किल्स सो आर्ट एंड क्राफ्ट इज आल्सो अ स्किल्ड वर्क नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर इफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डजेंट और स्किल्स ऑफ यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देन ही कैन डेवलप सॉफ्टवेयर उसको पता होना चाहिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उसमें वो स्किल्स होनी चाहिए उन लैंग्वेजेस को यूज करने की तभी वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएगा सो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इज ऑल्सो अ स्किल वर्क नेक्स्ट कुकिंग अब कोई कुकिंग करता है उसे यह नहीं पता कि कुकिंग कैसे करनी है तो क्या वो कुकिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा कुकिंग ऑल्सो रिक्वायर सम स्किल्स इफ़ यू डोंट हैव स्किल्स यू कैन कुक टेस्टी फूड अब अगर मुझे खाना बनाना आ, आता ही नहीं मुझे नॉलेज ही नहीं है अगर कोई मुझे बनाने के लिए, के लिए कहता है, तो मैं नहीं बना पाऊंगा अगर मेरे में स्किल्स नहीं है तो कुकिंग में भी स्किल्स चाहिए सो कुकिंग इज ऑल्सो स्किल्ड वर्क नेक्स्ट ड्राइविंग ड्राइविंग ऑल्सो रिक्वायर स्किल्स There are different types of roads. If a driver doesn't have enough skills to drive in those roads, then it can cause accidents. अब कोई ड्राइविंग करता है तो उसमें भी स्किल्स होती हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोड्स होते हैं उन सब में ड्राइविंग अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है तो वहाँ पे स्किल्स चाहिए होती हैं सो ड्राइविंग आल्सो रिक्वायर्स स्किल्स अब किसी में वो स्किल्स ही नहीं है ड्राइविंग की किसी को ड्राइविंग आती नहीं है तो क्या वो ड्राइविंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसकी वजह से तो एक्सीडेंट्स ही हो जाएंगे अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती और वो ड्राइविंग करने लग जाए सो so, ड्राइविंग की भी स्किल्स चाहिए तभी कोई ड्राइविंग कर सकता है सो ड्राइविंग इज ऑल्सो अ स्किल्ड वर्क बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल लर्न दोज स्किल्स हु डज टीच दैम ऑल दोज वर्क्स एंड स्किल्स लोग कैसे सीखते हैं उस स्किल्स को कहाँ से सीखते हैं कौन उन्हें सिखाता है स्किल्स पीपल लर्न दो स्किल्स फ्रॉम देयर एल्डर्स एंड फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक फार्मर्स दे लर्न फार्मिंग फ्रॉम देयर एल्डर्स एट होम दे सी एल्डर्स डूइंग फार्मिंग एंड विद टाइम एंड गाइडेंस दे ऑल्सो लर्न डिफरेंट स्किल्स रिलेटेड टू फार्मिंग फार्मर देखता रहता है अपने घर में कि कैसे फार्मिंग की जाती है फिर देखते देखते धीरे धीरे वो सीख जाता है और साथ में उसके एल्डर्स सिखाते भी हैं उसको फार्मिंग से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती है उसको सिखाते हैं सो हम जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं वो अपने एल्डर्स से भी सीखते हैं जैसे कोई कारपेंटर है वो भी सीखते हैं कोई टेलर है उनसे भी सीखते हैं ड्राइविंग अपने एल्डर्स से सीखते हैं उनको चलाते हुए है, देखते हैं उनसे नॉलेज लेते हैं वो सिखाते भी हैं सो न डिफरेंट स्किल्स फ्राम आर एल्डर्स सम पीपल ऑल्सो लर्न सम स्किल्ड वर्क फ्राम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाइक देर आर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वे पीपल कैन लर्न डिफरेंट वर्क लोग सिर्फ एल्डर से ही नहीं सीखते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर बहुत सारे वर्क रिलेटेड स्किल्स सिखाई जाती है तो वहाँ से भी लोग स्किल्ड वर्क सीखते हैं तो लोग कहाँ से सीखते हैं सारे काम अपने एल्डर से और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और कोई काम सीखने के बाद उसमें उनकी स्किल्स और अच्छी कैसे होती है उसकी प्रैक्टिस करके जैसे आप रीडिंग सीखते हो स्टार्टिंग में आप रीडिंग रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते थे लेकिन आपने एल्डर से सीखा आपने स्कूल से सीखा फिर धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी रीडिंग अच्छी हो गई उसमें रीडिंग में आपकी स्किल हो गई वैसे ही डिफरेंट स्किल्ड वर्क्स होते हैं उनको हम एल्डर से सीखते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हैं खुद से कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो स्किल्स ज्यादा अच्छी हो जाती है सो दैट्स ऑल अबाउट स्किल्ड वर्क आई होप यू अंडरस्टूड वट आर स्किल्ड वर्क एंड हाउ डू पीपल लर्न स्किल्स Thank you. Stay home. Stay safe.